अपोलो पेंट्स। दोस्तों अगर आपने इस ब्रांड को यूज किया है ना तो आपको पता ही होगा, तो इसके हर एक प्रोडक्ट पे आपको पॉइंट या टोकन मिलते हैं जिससे दोस्तों आपको पैसे मिलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपको ये नहीं मालूम था तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप एक पेंटर है तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो अपोलो पेंट्स कंपनी है तो इस कंपनी के आपको काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको कभी ना कभी टोकन या पॉइंट के बारे में पता ही चला होगा कि इसमें पॉइंट या टोकन मिलते हैं जिससे दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों कैसे आपको इसके टोकन को स्कैन करना है या कि पॉइंट को या कि बल्टी वगैरह को स्कैन करना है, कैसे करना है दोस्तों, कैसे पैसे को ट्रांसफर करना है अपने बैंक अकाउंट में, कैसे पॉइंट लेना है, मैं सब कुछ अपने इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा वरना आपसे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम था कि अपोलो पेंट्स में टोकन या पॉइंट मिलते थे तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द गेम टैकिंग में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं आपको। दोस्तों मैं अपने चैनल पे एशियन पेंट, बजट पेंट और जेके वॉर्स रिलेटेड ऐसा वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो सिंपली दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपोलो पेंट में आपको सबसे पहले टोकन को स्कैन करने के लिए, पैसे को लेने के लिए आपको अपोलो पेंट्स एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, तभी दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि कैसे आपको टोकन स्कैन करना है और पैसे को कैसे रिडीम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है अपोलो पेंट्स, सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आप यहां से लोगो वगैरह देख लीजिए, मैं इस एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का सिंपल दोस्तों इसे ओपन करिए। ओपन करने में तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना सिंपली दोस्तों सबसे पहले आप चूज करना है कि आप डीलर है कॉन्टेक्ट, सिंपली दोस्तों अगर आप एक पेंटर है कॉन्ट्रेक्टर है तो सिंपली दोस्तों कॉन्ट्रेक्टर पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने सिंपली दोस्तों यहाँ पर कोड मांगेगा, तो कोड क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने नजदीकी डीलर के पास जाना होगा, डीलर के पास जाकर कोड ले लीजिएगा, उनके पास डीलर कोड होगा। तो सिंपली दोस्तों जैसे आप डीलर कोड फिल कर देंगे, करने के बाद सिंपली बाकी की इन्फॉर्मेशन भी फिल कर दीजिएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, फिर दोस्तों अपना एड्रेस मोबाइल सब कुछ फिल कर दीजिए, फिर दोस्तों आप अपने पैन कार्ड की फोटो को यहाँ अपलोड करिएगा, यहाँ पर दोस्तों अपने आधार कार्ड की फोटो को अपलोड करिएगा। अपलोड करने का सिंपली दोस्तों सिंगल के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे वेरीफाई कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सिंपली दोस्तों अब आपको टोकन को स्कैन करना है। टोकन को स्कैन करने के लिए सिंपली दोस्तों स्कैन वाले बटन पर क्लिक करके अपने टोकन या पल्टी को स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद सिंपली दोस्तों जितने भी आपके पास पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट को आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आपको अभी भी अपोलो पेंट में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, टोकन स्कैन से रिलेटेड या कि पॉइंट ट्रांसफर से रिलेटेड, तो सिंपली दोस्तों आप मुझे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं या कि दोस्तों आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ज्यादा कमेंट आए तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें दोस्तों मैं आपको कंप्लीट केवाईसी कैसे करनी है मैं सब कुछ आपको बता दूंगा वहीं पर। तो सिंपली दोस्तों अपोलो पेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कॉर्नर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।